जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है नहीं। इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं, क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती हैं। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है, तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं? प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वो स्वयं को, अपने परिवार को, अपनी संतानों को अधिकतम सुख प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखता है। इसी कारण से हम सदा श्रम और कष्ट से अंतर रखते हैं, विश्राम और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्वयं अपने जीवन का विचार कीजिए, क्या ये सत्य नहीं कि हम अपनी संतानों के लिए सदा ही विश्राम और सुविधा का आयोजन करते हैं? पर क्या कभी सोचा है केवल विश्राम से क्या लाभ प्राप्त होता है? केवल सुख और सुविधा जिन्हें प्राप्त हो उनका जीवन कैसा होता है? शरीर जब श्रम करता है तो अधिक स्वस्थ बनता है, बुद्धि भी जब कठिन चुनौतियों का सामना करती है तो अधिक तेजस्वी बनती है। ये हम सबका अनुभव है, पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि मन और आत्मा को जब कठिनाइयां प्राप्त होती हैं, तब वे भी अधिक बलवान होती हैं। अर्थात
जब भी हम अपनी संतानों को श्रम और दुख से दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तव में उनके सुख का मार्ग बंद नहीं कर देते? स्वयं विचार कीजिए। महाभारत।